हम गजल की तशरीह करेंगे, गजल का पहला शेर। फिर चिराग लाला से रोशन हुए कोह व दमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। तशरीह, शायर इस शेर में कह रहा है कि मौसम बहार आने पर लाला खिल उठा। लाला यानी एक किस्म का सुर्ख फूल, उसके खिलने से जो रोशनी निकली उससे पहाड़ी वो मैदानी इलाका रोशन हो गया। फारसी में मुर्ग के मानी परिंदे के है, चमन के परिंदे से यहाँ मुराद बुलबुल है। बाहर आने पर बुलबुल चहकने लगी, बुलबुल के गीत मुझे भी तरन्नुम से गीत गाने के लिए उकसाने लगे, मेरा भी दिल गीत गाने के लिए मचल रहा है। गजल का दूसरा शेर। फूल है सहरा में या परिया कतार अंदर कतार, औदे औदे नीले नीले पीले पीले पहरन। तशरीह, मस्कुरा बाला शेर में शायर कहता है कि बाहर आने पर सहरा में भी फूल खिल उठे हैं। उन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है कि गोया परिया कतार अंदर कतार खड़ी हुई है। ये फूल मुख्तलिफ रंगों के लिबास पहने हुए है, किसी ने औदा, किसी ने नीला, तो किसी ने पीला। फूल पीले रंग के कपड़े जैब तन किए हुए है, गर्ज ये के रंग बिरंगे फूल खिले हुए है। गजल का तीसरा शेर। बरगे गुल पर रख गई शबनम का मोती बाद सबा, और चमकाती है इस मोती को सूरज की किरण। तशरीह, शायर इस शेर में बड़ी खूबसूरती के साथ शबनम का जिक्र करते हुए कहता है कि सुबह की ठंडी हवा फूल की पंखड़ियों पर शबनम के मोती रख गई है। जब सूरज निकला तो उसकी किरणों में शबनम के ये कतरे मोती की तरह चमकने लगे। गजल का चौथा शेर। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर अब मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। तशरीह, इस शेर में शायर अपने दोस्त से महवे गुफ्तगू है कि ए दोस्त, अपने मन में डूबकर जिंदगी की हकीकत को समझ ले, यहाँ गौर व फिक्र करने और तदबीर से काम लेने की हिदायत की गई है। शायर कहता है कि खुदा अपने बंदे से अपनी जात के पहचानने के लिए कह रहा है कि अगर तू मुझे यानी खुदा को नहीं पहचान सकता और तू अगर मेरा नहीं बनता तो ना बन, कम से कम अपना तो बन जा, यानी कम से कम अपने आप से तू वफादारी निभा, अपने मफाद के मद्देनजर तय करो कि तुम्हारा अमल क्या होना चाहिए।